हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मीठी वाली सौंठ। हर जगह आपने इसको ज़रूर खाया होगा। इसे बनाना बहुत आसान है, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक बर्तन को गर्म करने रखा है। अब हमने जो इमली को रात भर सोख करके रखा था उसका हम पल्प निकालेंगे और पानी में अच्छे से मिक्स करते हुए उसे छान लेंगे। तो मैंने यह पानी को अच्छे से छान लिया है और इसे बॉयल करने के लिए रख दिया है। अब आप देखोगे कि थोड़ी देर में जो है ये बॉयल होने लगा है। हल्का हल्का जैसे ये गर्म होने लगेगा ना, तब हम इसमें गुड़ डालेंगे। तो अभी हमारा ये जो है हल्का हल्का गर्म होने लगा है। इसमें अब देख सकते हो, यह जो बॉयलिंग आती है वो इस तरीके से कुछ आती है। अब हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। आपको इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें गुड़ ही डालना है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितनी बनानी है और कितने दिन तक स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पर गुड़ को जो है मेल्ट करने के लिए इस पानी में डाल दिया है। ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो इसका जो खट्टा मीठा फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी बनेगा। तब आप देखोगे जो हमारा गुड़ है वो आधा मेल्ट हो चुका है और अभी थोड़ा सा और बाकी है। अभी थोड़ी देर में जो है अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब इसे हम बॉइलिंग होने के लिए रखेंगे। ये बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। अब हम इसमें मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची हमें तीखेपन के लिए ऐड करना है, तो कोशिश कीजिएगा मिर्ची अब थोड़ी ज़्यादा ऐड करो, क्योंकि जब आप इसे किसी चीज़ के साथ खाते तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे। तो काली मिर्ची को आप दरदरा करके कूट लीजिए, उसके बाद इसमें ऐड कीजिए। आप चाहो तो यहाँ काली मिर्ची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे जो है चाट मसाला यूज़ किया है। आपको चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करना है, यानी कि मैंने सिर्फ आधा चम्मच चाट मसाला यूज़ किया है। अब आप देखोगे कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, जो हमने मिर्ची डाली थी वो भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब आप देखेंगे कि इसका जो बॉइलिंग है वो अच्छे से हो रहा है। अब हम गैस को थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे करेंगे और इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ वाइट सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि सब जो वाइट वाला नमक आता है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे किशमिश यूज़ की है। अगर आप चाहो तो किशमिश की जगह और भी कई सारे जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ लेंगे इसमें खरबूजे के बीज, इसे मगी के मगी बोलते हैं, और भी मास्क मेलन सीड्स बोलते हैं, और भी कई नाम है इसके। तो आपको जो अच्छा लगता हो या जो आपकी पास की शॉप में से बोला जाता हो, आप उसे लिए और इसको डाल दीजिए। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। अब हम इसमें एक चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर वाटर यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पानी में एक चम्मच कॉर्नफ्लोर को अच्छे से घोल दिया था, उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है। पानी आपको थोड़ा क्वांटिटी में लेना है, उसके बाद ही आप उसको चम्मच से घोल दीजिए और फिर इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद इसको आपको लगातार चलाना है। उससे क्या होगा ना, आपके बॉटम में बिल्कुल लगेगा नहीं और बहुत अच्छे से मिक्स होगा, और आपकी जो सौंठ बना रहे हो वो थोड़ी सी थिक बनेगी, वो पतली नहीं बनेगी। जब आप उसे लंबे टाइम तक स्टोर करते हो तो उसका थिक रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है उसे खाने में, जो कि हम ज़्यादातर दही बड़े के साथ में, या फिर मैं ये कहूँ कि हम शादी पार्टीज में जितनी भी चीज़ें खाते हैं सबके साथ में सौंठ का यूज़ ज़रूर होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तब आप देखोगे कि बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है। मैं इसे ऊपर तक ले जाके बॉयल कर रही हूँ, क्योंकि ना ये बॉयल होगी तभी इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आएगा। और एक अच्छे टाइम तक जब इसे बॉयल करोगे ना तो एक लॉन्ग टाइम टर्म चलेगी, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक ये चलेगी, ख़राब नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी। धीरे धीरे करके थिक हो चुकी है, अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पे हमारी सौंठ बन करके रेडी हो चुकी है। अब मैंने यहाँ गैस को ऑफ़ कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। अब मैंने इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए। अब आप देखोगे कि हमारी जो सौंठ है यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारी सौंठ है कितनी ज़्यादा अच्छी बन करके रेडी हुई है। ये ठंडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में। तो मैंने इसको मोस्टली दही बड़े के साथ में यूज़ किया था, और उसके साथ साथ समोसों के साथ भी इसको यूज़ किया था। तब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।